ऑडियो 13 प्रथम वर्ष का प्राणाकर्षण प्राणायाम। 1 प्रातःकाल नित्य कर्म से निवृत्त होकर पूर्वाभिमुख पालथी मारकर बैठिए। दोनों हाथ घुटनों पर रखिए, मेरुदंड सीधा रखिए, नेत्र बंद कर लीजिए। ध्यान कीजिए कि अखिल आकाश में तेज और शक्ति से ओतप्रोत प्राण तत्व व्याप्त हो रहा है। गर्म भाप के सूर्य के प्रकाश में चमकते हुए बादलों की शक्ल के प्राण का उफान हमारे चारों ओर उमड़ता चला आ रहा है और उस प्राण उफान के बीच हम निश्चिंत शांत चित्त एवं प्रसन्न मुद्रा में बैठे हुए हैं। 2 नासिका के दोनों छिद्रों से धीरे धीरे खींचना आरंभ कीजिए और भावना कीजिए कि प्राण तत्व के उफनते हुए बादलों को हम अपनी सांस द्वारा भीतर खींच रहे हैं। जिस प्रकार पक्षी अपने घोंसले में, सांप अपने बिल में प्रवेश करता है, उसी प्रकार वह अपने चारों ओर बिखरा हुआ प्राण प्रवाह हमारी नासिका द्वारा सांस के साथ शरीर के भीतर प्रवेश करता है और मस्तिष्क, छाती, हृदय, पेट, आंतों से लेकर समस्त अंगों में प्रवेश कर जाता है। 3 जब सांस पूरी खींच जाए तो उसे भीतर रोकिए और भावना कीजिए कि जो प्राण तत्व खींचा गया है उसे हमारे भीतरी अंग प्रत्यंग सोख रहे हैं। जिस प्रकार मिट्टी पर पानी डाला जाए तो वह उसे सोख जाती है, उसी प्रकार अपने अंग सूखी मिट्टी के समान है। जल रूपी इस खींचे हुए प्राण को सोख कर अपने अंदर सदा के लिए धारण कर रहे हैं। साथ ही प्राण तत्व में सम्मिश्रित चैतन्य, तेज, बल, उत्साह, साहस, धैर्य, पराक्रम, सरीखे अनेक तत्व हमारे अंग प्रत्यंग में स्थिर हो रहे हैं। 4 जितनी देर सांस आसानी से रोकी जा सके उतनी देर रोकने के बाद धीरे धीरे सांस बाहर निकालिए। साथ ही भावना कीजिए कि प्राणवायु का सार तत्व हमारे अंग प्रत्यंगों के द्वारा खींच लिए जाने के बाद अब वैसा ही निकम्मा वायु बाहर निकाला जा रहा है, जैसा कि मक्खन निकाल लेने के बाद निस्सार दूर हटा दिया जाता है। शरीर और मन में जो विकार थे वे सब इस निकलती हुई सांस के साथ भूल गए हैं और काले धुएं के समान अनेकों दूषणों को लेकर वह बाहर निकल रहे हैं। 5 पूरी सांस बाहर निकल जाने के बाद कुछ देर बाहर सांस रोकिए, अर्थात बिना सांस के रहिए और भावना कीजिए कि अंदर के जो दोष बाहर निकाले गए थे उनको वापस ना लौटने देने की दृष्टि से दरवाजा बंद कर दिया गया है और वे बहिष्कृत होकर हमसे बहुत दूर उड़े जा रहे हैं। इस प्रकार 5 अंगों में विभाजित इस प्राणाकर्षण प्राणायाम को नित्य ही जप से पूर्व करना चाहिए। आरंभ 5 प्राणायाम से किया जाए, अर्थात उपरोक्त क्रिया 5 बार दोहराई जाए। इसके बाद हर महीने 1 प्राणायाम बढ़ाया जा सकता है। यह प्रक्रिया धीरे धीरे बढ़ाते हुए 1 वर्ष में आधा घंटा तक पहुंचा देनी चाहिए। 2 लोम विलोम सूर्य वेधन प्राणायाम। प्रथम वर्ष के लिए उपरोक्त प्राणाकर्षण प्राणायाम है और द्वितीय वर्ष में लोम विलोम सूर्य भेदन प्राणायाम का अभ्यास निम्न प्रकार है। 1 किसी शांत एकांत स्थान में प्रातःकाल स्थिर चित्त होकर बैठिए। पूर्व की ओर मुख पालथी मारकर सरल पद्मासन से बैठना, मेरुदंड सीधा, नेत्र अध खुले, घुटनों पर दोनों हाथ, यह प्राण मुद्रा कहलाती है, इसी पर बैठना चाहिए। 2 बाएं हाथ को मोड़कर तिरछा कीजिए, उसकी हथेली पर दाहिने हाथ की कोहनी रखिए, दाहिना हाथ ऊपर उठाइए, अंगूठा दाहिने नथुने पर और मध्यमा और अनामिका उंगलियां बाएं नथुने पर रखिए। 3 बाएं नासिका के छिद्र को मध्यमा बीच की और अनामिका तीसरे नंबर की उंगली से बंद कर लीजिए। सांस फेफड़े तक ही सीमित ना रहे, उसे नाभि तक ले जाना चाहिए और धीरे धीरे इसी वायु पेट में से ले जानी चाहिए जिससे वह पूरी तरह फूल जाए। 4 ध्यान कीजिए कि सूर्य की किरणों जैसा प्रकाश वायु में सम्मिश्रित होकर दाहिने नासिका छिद्र में अवस्थित पिंगला नाड़ी द्वारा अपने शरीर में प्रवेश कर रहा है और उसकी उष्मा
अपने भीतरी अंग प्रत्यंगों को तेजस्वी बना रही है। 5. सांस को कुछ देर भीतर रोकिए, दोनों नासिका छिद्र बंद कर लीजिए और ध्यान कीजिए कि नाभि चक्र के प्राण वायु द्वारा एकत्रित हुआ तेज नाभि चक्र में एकत्रित हो रहा है। नाभि स्थल से चिरकाल से प्रसुप्त पड़ा हुआ सूर्य चक्र इस आगत प्रकाशवान प्राण वायु से प्रभावित होकर चमकीला हो रहा है और उसकी दमक बढ़ती जा रही है। 6. दाहिने नासिका छिद्र को अंगूठे से बंद कर लीजिए, बायां खोल दीजिए, सांस को धीरे धीरे बाएं नथुने से बाहर निकालिए और ध्यान कीजिए कि चक्र को सुषुप्त और धुंधला बनाए रहने वाले कलमश इस छोड़ी हुई सांस के साथ बाहर निकल रहे हैं। इन कलमशों के मिल जाने के कारण सांस खींचते समय जो शुभ्र वर्ण तेजस्वी प्रकाश भीतर गया था वह अब मलिन हो गया और भी पीत वर्ण होकर सांस के साथ बाएं नथुने की ईड़ा नाड़ी द्वारा बाहर निकल रहा है। 7. दोनों नथुने फिर बंद कर लीजिए, फेफड़ों को बिना सांस के खाली रखिए, ध्यान कीजिए कि बाहरी प्राण बाहर रोक दिया गया है, उसका दबाव भीतरी प्राण पर बिल्कुल भी ना रहने से वह हल्का हो गया है। नाभि चक्र में जितना प्राण सूर्य पिंड की तरह एकत्रित था वह तेज पुंज की तरह ऊपर की ओर अग्नि शिखाओं की तरफ ऊपर उठ रहा है। उसकी लपटें पेट के ऊर्ध्व भाग फुफ्फुस को भेदती हुई कंठ तक पहुंच रही हैं। भीतरी अवयवों में सुषुम्ना नाड़ी में से प्रस्फुटित हुआ यह प्राण तेज अंतः प्रदेश को प्रकाशमान कर रहा है। 8. अंगूठे से दाहिना छिद्र बंद कीजिए और बाएं नथुने से सांस खींचते हुए ध्यान कीजिए कि ईड़ा नाड़ी द्वारा सूर्य प्रकाश जैसा प्राण तत्व सांस से मिलकर शरीर में भीतर प्रवेश कर रहा है और वह तेज सुषुम्ना विनिर्मित नाभि स्थल के सूर्य चक्र में प्रवेश करके वहां अपना भंडार जमा कर रहा है। इस तेज संचय से सूर्य चक्र क्रमशः अधिक तेजस्वी बनता चला जा रहा है। 9. दोनों नासिका छिद्रों को बंद कर लीजिए, सांस को भीतर रोकिए, ध्यान कीजिए कि सांस के साथ एकत्रित किया हुआ तेजस्वी प्राण नाभि स्थित सूर्य चक्र में अपनी तेजस्विता को चिरस्थायी बना रहा है। तेजस्विता निरंतर बढ़ रही है और वह अपनी लपटें पुनः ऊपर की ओर अग्नि शिखा की तरह ऊर्ध्वगामी बना रही हैं। इस तेज से सुषुम्ना नाड़ी निरंतर परिपुष्ट हो रही है। 10. बाया नथना बंद कीजिए और दाहिने से सांस धीरे धीरे बाहर निकालिए, ध्यान कीजिए कि सूर्य चक्र का कलमस धुएं की तरह तेजस्वी सांस से मिलकर उसे धुंधला पीला बना रहा है और पीली प्राणवायु पिंगला नाड़ी द्वारा बाहर निकल रही है। भीतरी कषाय कलमश बाहर निकलने में अंतःकरण बहुत हल्का हो रहा है। 11. दोनों नासिका छिद्रों को पुनः बंद कर कीजिए और उपरोक्त नंबर 6 की तरह फेफड़ों को सांस से बिल्कुल खाली रखिए। नाभि चक्र से कंठ तक सुषुम्ना का प्रकाश पुंज ऊपर उठता देखिए। भीतरी अवयवों में दिव्य ज्योति जगमगाती अनुभव कीजिए। यह एक लोम विलोम सूर्य भेदन प्राणायाम हुआ। सांस के साथ खींचा हुआ प्राण नाभि में स्थित सूर्य चक्र को जागृत करता है, उसके आलस्य और अंधकार को भेदता है और वह सूर्य चक्र अपनी परिधि को भेदन करता हुआ सुषुम्ना मार्ग से उदर छाती और कंठ तक अपना तेज फेंकता है। इन कारणों से इसे सूर्य वेधन कहते हैं। लोम कहते हैं सीधे को, विलोम कहते हैं उल्टे को। एक बार सीधा, एक बार उल्टा, फिर सीधा, फिर उल्टा, बाएं से खींचकर दाएं से निकालना, दाहिने से खींचकर बाएं से निकालना। यह उल्टा सीधा चक्र रहने से इसे लोम विलोम कहते हैं और प्राणायाम की प्रकृति के अनुसार इसे लोम अनुलोम सूर्य भेदन प्राणायाम कहा जाता है। 3. तीसरे वर्ष के लिए नाड़ी शोधन प्राणायाम। 1. प्रातःकाल पूर्व को मुख करके कमर सीधी रखकर सुखासन से पालती मारकर बैठिए, नेत्रों को अध खुले रखिए,
दो, दाहिना नासिका छिद्र बंद कीजिए, बाएं छिद्र से सांस खींचिए और उसे नाभि चक्र तक खींचते जाइए। तीन, ध्यान कीजिए कि नाभि स्थान में पूर्णिमा के पूर्ण चंद्रमा के समान अति पीत वर्ण शीतल प्रकाश विद्यमान है, खींचा हुआ सांस उसे स्पर्श कर रहा है। चार, जितने समय में सांस खींचा गया था उतने ही समय भीतर रोकिए और ध्यान करते रहिए कि नाभि चक्र में स्थित पूर्ण चंद्र के प्रकाश को खींचा हुआ श्वास स्पर्श करके स्वयं शीतल और प्रकाशवान बन रहा है। पांच, जिस नथुने से सांस खींचा था उसी बाएं छिद्र से ही सांस बाहर निकालिए और ध्यान कीजिए कि नाभि चक्र के चंद्रमा को छूकर वापस लौटने वाली प्रकाशवान एवं शीतल वायु ईड़ा नाड़ी की छिद्र नलिका को भी शीतल एवं प्रकाशमान बनाती हुई वापस लौट रही है। छः, कुछ देर सांस बाहर रोकिए और फिर उपरोक्त क्रिया आरम्भ कीजिए। बाएं नथुनों से ही सांस खींचिए और उसी से निकालिए। दाहिनी छिद्र को अंगूठे से बंद रखिए, इसी को तीन बार कीजिए। सात, जिस प्रकार बाएं नथुने से पूरक कुंभक रेचक बाह्य कुंभक किया था उसी प्रकार दाहिने नथुने से भी कीजिए। नाभि चक्र में चंद्रमा के स्थान पर सूर्य का स्थान कीजिए और सांस छोड़ते समय भावना कीजिए कि नाभि स्थित सूर्य को छूकर वापसी लौटने वाली वायु श्वास नली के भीतर उष्णता तथा प्रकाश उत्पन्न करती हुई लौट रही है। आठ, बाएं नासिका स्वर को बंद कर रखकर दाहिने छिद्र से भी इस क्रिया को तीन बार कीजिए। नौ, अब नासिका के दोनों छिद्र खोल दीजिए, दोनों से सांस खींचिए और भीतर रोकिए और मुंह खोलकर सांस बाहर निकाल दीजिए। यह विधि एक ही बार करनी है चाहिए। तीन बार बाएं नासिका छिद्र से सांस खींचते और छोड़ते हुए नाभि चक्र में चंद्रमा का शीतल ध्यान, तीन बार दाहिने नासिका छिद्र से सांस खींचते छोड़ते हुए सूर्य का उष्ण प्रकाश वाला ध्यान, एक बार दोनों छिद्रों में सांस खींचते हुए मुख से सांस निकलने की क्रिया, यह सात विधान मिलकर एक नाड़ी शोधन प्राणायाम बनता है। चतुर्थ वर्ष सम्मिलित अभ्यास। तीनों प्राणायाम सफलतापूर्वक संपन्न कर लेने के बाद चौथे वर्ष तीनों प्राणायामों का सम्मिलित अभ्यास किया जाता है। आरंभ में तीन प्राणाकर्षण, दो लोम विलोम, सूर्य भेदन और एक नाड़ी शोधन किया जाए। पीछे इनकी संख्या इसी अनुपात में बढ़ाई जा सकती है। इनका अभ्यास कर लेने तक साधक को विलक्षण अनुभूतियां आवश्यक होंगी। वह किसी विश्वास पात्र को पृथ्वी भी बताई भी जा सकती है, मार्गदर्शन भी लिया जा सकता है, पर इन बातों को नितांत सामान्य चर्चा का विषय नहीं बनाना चाहिए। यदि यह प्राणायाम पक चुके हैं तो अब तक की अनुभूतियों के आधार पर अंगों के प्राणायाम जानकर मार्गदर्शक से ज्ञात किए जा सकते हैं। प्राणायाम साधना के कुछ आवश्यक ज्ञातव्य। एक, प्राणायाम खाली पेट में करना चाहिए। दो, स्थान ऐसा हो जहां शुद्ध व ताजी वायु मिल सके, दुर्गंधित स्थानों में प्राणायाम नहीं करना चाहिए। तीन, आरंभ में एक दो प्राणायाम से करें, पीछे समय और संख्या क्रमशः बढ़ाएं। प्राणायाम कर लेने के बाद एक घंटे तक भारी वजन की वस्तुएं ना उठाएं। पांच, प्राण शक्ति विशुद्ध रूप से विद्युत क्षमता संपन्न होती है, अतः विद्युत नियमों के समान ही जब तक नव उपार्जित प्राण पूरी तरह पच ना जाए तब तक सुचालक धातुओं का स्पर्श ना करे। स्वर्ण रजत आभूषण तथा इस श्रेणी के उच्च आभूषण स्पर्श में कोई दोष नहीं है। छः, प्राणायाम साधना के दिनों में जहाँ तक संभव हो सहवास से बचा जाए, क्योंकि शरीर के अन्य अवयवों की तरह इस अवधि में काम अवयवों का थोड़े में उत्तेजित हो उठना नितांत संभव है। इस अवधि में बाल ना बनाना या स्वयं बनाना, नंगे पैरों की अपेक्षा कपड़ों के जूते या अखड़ाओं पहने जाए तो अच्छा है। सात, तखत पर सोएं, चारपाई पर सोएं,
तो शरीर को अधिक सुख देने वाले नरम गद्दे ना बिछाएं। यह थोड़ी सावधानियां हैं जो प्राण शक्ति प्राण शरीर के द्रुत विकास में सहायक होती हैं। प्राणायाम एक प्रत्यक्ष विज्ञान है जिसका लाभ कोई भी व्यक्ति चाहे वह श्रद्धालु हो या अश्रद्धालु सहर्ष ले सकता है। चमत्कारी लाभ मिले या ना मिले, दीर्घ जीवन आरोग्य निरालस्य स्फूर्ति साहस नेत्रों में चमक गहरी नींद शरीर में हलकंपन जैसे अनेक भौतिक लाभ तो उससे सुनिश्चित ही हैं। अतरंग में उतरें आत्मबल प्राप्त करें। मनुष्य यों देखने में एक दुर्बल सा प्राणी मालूम पड़ता है पर वह प्राणी विद्युत की दृष्टि से सृष्टा की अद्भुत एवं अनुपम संरचना है। विशेषतया मस्तिष्क इतनी विलक्षणताओं का केंद्र है जिसके आगे अद्यावधि आविष्कृत हुए समस्त मानवकृत यंत्रों का एकत्रीकरण भी हल्का पड़ेगा। उससे अगणित चुंबकीय केंद्र हैं जो विविध विधि रिसीवरों ट्रांसफार्मरों का कार्य संपादित करते हैं। ब्रह्मांड में असंख्य प्रकार के एक से एक रहस्यमय प्रवाह स्पंदन गतिशील रहते हैं। इनमें से मनुष्य को मात्र कुछ एक की ही लंगड़ी लूली जानकारी है। यह जानकारी का क्षेत्र जितना जितना विस्तृत होता जाता है उससे असीम शक्ति की असंख्य धाराओं की हल्की फुल्की झांकी मिलती है। कदाचित अब की अपेक्षा मनुष्य की हाथ दुगना चौगना भी और लग गया तो सृष्टा की प्रतिद्वंदिता करने लगेगा। इतना होते हुए जो भी जो कुछ जानना और पाना शेष रह जाएगा जिसकी कल्पना कर सकना भी कठिन है। ब्रह्मांड की भौतिक और चेतनात्मक संभावनाएं इतनी अधिक हैं कि उन्हें अचिंत्य असीम अनंत अनिर्वचनीय आदि कहकर ही संतोष किया जा सकता है। सर्वविदित है कि पृथ्वी सूर्य चंद्र एवं सौर मंडल के अन्य ग्रहों से बहुत कुछ अनुदान प्राप्त करती है और उस उधार की पूंजी से अपनी दुकान चलाती है। सौर मंडल से बाहर के ग्रह नक्षत्र भी उसे बहुत कुछ देते हैं। यह वह हल्का होने के कारण भी निर्मित यंत्रों की पकड़ में नहीं आता तो भी वह स्वल्प या नगण्य नहीं है। कोई वस्तु हल्की होने के कारण उपहासास्पद नहीं बन जाती। वरन सच तो यह है कि सूक्ष्मता के अनुपात में शक्ति की गरिमा बढ़ती जाती है। होम्योपैथी विज्ञान ने इस संदर्भ में अच्छे गहरे और प्रामाणिक प्रयोग प्रस्तुत किए हैं। ब्रह्मांड में बिखरे पड़े कोटि कोटि ग्रह नक्षत्र अपनी अपनी उपलब्धियां मिल बांटकर खाते हैं, तभी तो वे सब एक सूत्र में पिरोए हुए हैं। यदि उनमें से प्रत्येक ने अपनी उपलब्धियों को अपने ही सीमित क्षेत्र में समेट सिकोड़ कर रखा होता तो ब्रह्मांड का सारा सिराजी बिखर जाता और यहाँ केवल धूली के बादल इधर उधर मारे मारे फिरते दिखाई पड़ते। पृथ्वी को अगणित शक्ति केंद्रों के छोटे बड़े उपहार मिलते रहते हैं और वह उन खिलौनों से खेलती हुई अपना विनोद प्रमोद स्थिर रखे रहती है। जिस प्रकार पृथ्वी अन्य ग्रहों से लेती है उसी प्रकार वह अपना उपार्जन ब्रह्मांड परिवार को बांटती भी है। दो और लो का नियम विनिमय क्रम ही इस सृष्टि की धुरी बनकर काम कर रहा है। पृथ्वी और ब्रह्मांड के बीच जो आदान प्रदान क्रम चल रहा है वह चेतना के घटा का काश मनुष्य और महाआकाश विश्व मानव के बीच भी चल रहा है। पिंड शब्द का प्रयोग ग्रह नक्षत्रों की तरह मानव शरीरों के लिए भी होता है। मनुष्य एक पिंड है, उसका ब्रह्मांड व्यापी असंख्य चेतना पिंडों के साथ वैसा ही संबंध है जैसा पृथ्वी का सौर मंडल से देवयानी निहारिका से अथवा ब्रह्मांड केंद्र महाध्रुव अनंत शेष से है। मनुष्य की चेतना अपनी उपलब्धियां विश्व चेतना को प्रदान करती है और वहां से अपने लिए उपयोगी अनुदान प्राप्त करती है। यूं चेतना शरीर के कण कण में बिखरी पड़ी है पर उसका उद्गम निर्झर मस्तिष्क से ही फूटता है। ध्रुवीय चुंबक शक्ति की तरह मस्तिष्क में भी आकर्षक और दी कर्षक केंद्र हैं।